हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज़। तो आज वापस एक बार फिर कंटिन्यू करते हैं हमारी कोरल ड्रॉ की क्लास, और आज जो हम टूल देखेंगे उस टूल का नाम है एक्सट्रूड टूल, जिसका बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले बेसिक कंसेप्ट इसकी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, दो तरीके सर्कल, एक में मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ और दूसरा मैं विदाउट कलर का। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे है एक्सट्रूड टूल, तो ये सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन अभी मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, इसको कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ से हम करते हैं, वहाँ से भी किया तो चलेगा। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ड्रैग करके इसको छोड़ देता हूँ, तो ये 3D बन गया। देखिए, ये यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो, देखिए एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो। इसको भी मैं कर देता हूँ सेम, ये देखिए। अभी यहाँ पे फ़र्क क्या है वो आपको बाद में समझ में आएगा। तो इसको सबसे पहले तो ये 3D मैंने कर लिया, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे है एक्सट्रूजन कलर। तो यहाँ पे जाने के बाद ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, सॉलिड कलर वगैरह, और यूज़ कलर शेडिंग। तो ये देखिए शेडिंग आ गया यहाँ पे, तो ये वाइट की जगह मैं थोड़ा सा ग्रे और ले लेता हूँ, क्या ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हॉलो है, सेंटर में कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इसको कलर नहीं दिया है, इसलिए हॉलो आ गया। तो इसको अगर मैं रोटेट करूँ, ये देखिए यहाँ पर एक्सट्रूड टूल में, अगर यहाँ पर मैं वापस क्लिक करूँ, क्लिक करना पड़ता है, तो ये एक सर्कल आ गया। देखिए, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा सर्कल, तो इसके अंदर अगर आप आओगे तो ये आपको 3D रोटेट करेगा। ये देखिए 3D रोटेट होगा, और इसके बाहर अगर आप जाओगे, ये देखिए ग्रीन सर्कल के बाहर, तो ये 2D रोटेट होगा, जो नॉर्मली हम करते हैं वो। लेकिन अगर इसके अंदर हम करेंगे तो ये 3D, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3D दिख रहा है पूरा, 3D, ऐसा आप कर सकते हो। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं। तो वापस मैं ये एक्सट्रूड टूल में जाके यहाँ पे देखिए वापस ये रख देता हूँ। यहाँ पे देखिए सॉलिड कलर आता है, तो ये नहीं चाहिए मुझे, शेडिंग चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है शेडिंग। और उसके बाद वापस क्लिक, और ये देखिए, क्योंकि हमने इसको कलर दिया था इसलिए क्या हो गया, पूरा मतलब सॉलिड आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं दिया था। इसको अगर मैं राइट क्लिक करूँ, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक सॉरी, तो ये देखिए ये भी हॉलो हो जाएगा, क्योंकि हमने कलर नहीं दिया। अगर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पे, तो ये चला जाएगा, आउटलाइन चली जाएगी, ये देखिए। तो ये बेसिकली 3D क्रिएट करने के लिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने कलर किया तो ये पूरा सॉलिड आएगा कुछ इस तरह से, और अगर आपने कलर नहीं दिया तो ये हॉलो आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, और इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये रेडीमेड प्रीसेट्स हैं, अगर आपको ऐसे चाहिए तो ऐसे, ये देखिए प्रीसेट्स हैं, ये छोटा बड़ा ऐसे आएगा, ये देखिए पीछे का थोड़ा छोटा ये। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो है इसका डेप्थ हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है, दोनों चीज़ें का आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से करो या यहाँ से करो ये। और ये तो पहले आपको पता ही है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले ये डिलीट करके अभी हम क्या करते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो इससे कुछ चीज़ें, 3D चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा कि वो जो कचवा छप अगरबत्ती, जो मॉस्किटो की जो अगरबत्ती होती है, वो वाला अगर हमें क्रिएट करना है, तो क्योंकि वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, तो थोड़ा सा इनोवेटिव भी लगता है। तो यहाँ पे एक टूल है स्पाइरल टूल, वो लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके मैं करता हूँ, तो ये थोड़ा सा एक सिमेट्रिकल आएगा। और इसकी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, आउटलाइन, ये आउटलाइन है तो इसको 10, ठीक है 10, ठीक है मेरे ख्याल से। और ग्रीन कलर की ज़्यादातर रहती है, तो ग्रीन कलर। और यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पे शेड मिलेंगे, तो ये मैं डार्क शेड ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे ये आउटलाइन है, तो इसको मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये आउटलाइन है अभी, तो इसको मैं अरेंज में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट बन गया नॉर्मल अभी। और यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ, ये देखिए और थोड़ा डार्क मेरे ख्याल से, तो ये वाला अब ज़्यादा हो गया, ठीक है यही रख देते हैं। और वापस एक्सट्रूड टूल, और यहाँ पे ड्रैग कर दीजिएगा, तो ये देखिए ये हो गया। और उसके बाद में जो हमने कलर देखा था, ये वाला लेता हूँ, शेडिंग आएगा यहाँ पे, ये देखिए शेडिंग,
और यहाँ पे इसको क्लिक करके ये रोटेट करके देखते हैं, और इसका एंगल आप चेंज करते हो जैसे मैंने बोला। ये देखिए ये एंगल है, यहाँ पे क्लिक किया, ये चेंज कर सकते हो आप। अभी ये पहले करना पड़ेगा, और यहाँ से ये चेंज कर सकते हो जो डिफ़ॉल्ट है वो। वापस एक बार आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये अप्लाई किया और ये एंगल आप चेंज कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ और वापस यहाँ पे गया ये, और ये यहाँ से मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको रोटेट कर देते हैं 3D। ये देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरे ख्याल से 3 ठीक होगा, थोड़ा सा 3 भी ज़्यादा लग रहा है, तो 2। आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि ये जो मॉस्किटो की अगरबत्ती होती है उस जैसा दिख रहा है बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा इसमें राइट एंगल क्रिएट करने की कोशिश, ये देखिए ये ठीक है, ये लग रहा है अभी। और यहाँ पे ये देखिए, तो अभी मुझे ऐसे दिखाना है कि ये जल रहा है, तो यहाँ पे हम शेप टूल का यूज़ करके, जो हमारे पास शेप टूल है, पेन टूल सॉरी, पेन टूल का यूज़ करके यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ जैसे कि ये जल रहा है। उसमें तो कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, ये देखिए। और इसको मैं ये फाउंटेन फील या इंटरेक्टिव फील से 2 कलर दे देता हूँ। यहाँ पे जो जल रहा है तो रेड रेडिश कलर, और ब्लैक ही रहने दीजिए इस साइड में। ये देखिए तो ऐसे लग रहा है कि जल रहा है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, मतलब मैच कर देते हैं यहाँ से ताकि लगे थोड़ा रियलिस्टिक। ये कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, ये देखिए ऐसे ये जल रहा है, ऐसे आप दिखा सकते हो। तो बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया, तो ऐसे हो सकता है। जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। और ये हमने टूल देखा था डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट में यहाँ एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जिपर डिस्टॉर्शन। तो यहाँ से मैं थोड़ी वैल्यू बढ़ा देता हूँ और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से शीट जो होती है घरों के ऊपर, कुछ शीट होती है सीमेंट की वगैरह होती है, या लोहे की भी होती है कई बार। तो ये शीट जो है ये बना लेता हूँ और उसको स्मूथ कर देता हूँ। ये देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, स्मूथ है। तो और इसको मैंने कलर, तो ये तो आउटलाइन है ऑब्वियसली, इसको कलर ब्लैक ही रखा मैंने। और वापस मैं एक्सट्रूड टूल लेके इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए एंगल आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो डेप्थ जो है वो, और थोड़ी ये देखिए डेप्थ। ये शीट आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए शीट बन गई। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, वापस यहाँ पे जाते हैं, और ये तो ये ठीक है, और वाइट की जगह थोड़ा सा ग्रे कलर देते हैं ताकि ये दिखाई दे, और कोई इसमें ही नहीं है, ठीक है ये वाला। और अगर इसको मैं आउटलाइन, अगर हमें ये लाइंस नहीं चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, तो नो कलर, ये देखिए थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। और इसमें अगर और थोड़ा सा इफेक्ट चाहिए तो इसमें भी कर सकते हो आप, यहाँ पे लाइटिंग है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप जाओगे, ये बेवेल है, बेवेल भी हम बाद में देखते हैं। ये देखिए लाइटिंग अगर आपको चाहिए तो लाइटिंग आप दे सकते हो, ये कुछ इस तरह से, तो और थोड़ा सा यहाँ पे रियलिस्टिक इफेक्ट दिखेगा। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा और रियलिस्टिक इफेक्ट। ये देखिए लाइट, और मेरे ख्याल से इस साइड में अगर मैं लाऊं और इस नीचे, ये देखिए तो ये लाइट नीचे की ओर से यहाँ पे पड़ रही है, तो वो थोड़ा और रियलिस्टिक इफेक्ट लग रहा है थोड़ा हल्का सा। और इसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से लाइट यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऐसे दिख रहा है, ये देखिए ऐसे। और अगर आपको एक से ज़्यादा लाइट चाहिए तो यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो, ये देखिए ये कुछ इस तरह से, ये ज़्यादा हो गया बहुत, ठीक है। इसकी मैं इंटेंसिटी बहुत ही कम कर देता हूँ, तो और रियलिस्टिक। 3 चाहिए तो 3 भी रख सकते हो, लेकिन ये 3 की ज़रूरत नहीं है, तो 2 रख देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा रियलिस्टिक 3D यहाँ पे लग रहा है। ये शीट जो होती है ये हमने किया,
ये हो गया। उसके बाद हम टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी टेक्स्ट, इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी सेम, ये देखिए ड्रैग किया 3D बन गया। अभी ये एंगल इस साइड में है तो इसको मैं इस साइड में कर देता हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है किस साइड में आपको एंगल चाहिए। वापस यहाँ पे जाके कलर और शेडिंग इसको थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, कुछ इस तरह से दिखेगा। और शायद मुझे सपोज यहाँ पे रेड चाहिए तो रेड रख देता हूँ, इसको वापस ये 3D, और यहाँ से वापस कलर चेंज करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नज़दीक, रेड के नज़दीक लेके जाते हैं, तो ये इस तरह से ये बनेगा। और इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। और इसकी हाइट तो आप कम कर ही सकते हो, कम ज़्यादा यहाँ से, और यहाँ से कम कर सकते हो, सेम चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो ये देखिए टेक्स्ट में कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। और एक यहाँ पे मैंने इंटरनेट पे किसी को बनाते हुए देखा था ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे, तो बोल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आप बना सकते हो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं कुछ ही चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा। बेसिकली ये 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये हेक्सागन मैंने ले लिया, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो हेक्सागन, और इसके अंदर सर्कल मैं ले लेता हूँ, जो नट बोल्ट होता है उसका मैं कर रहा हूँ, जिसका एंड होता है एक, और इसको मैं ये बैक माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया, ये ऐसे बन गया। और इसको 3D ऑब्वियसली जो करना है हमें ये 3D इस साइड में ऐसे, यहाँ से आपको चूज़ करना है जो भी, नहीं यही चाहिए था मेरे ख्याल से ये वाला। और इसको थोड़ा सा मैं खींच देता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे नीचे का भी हिस्सा चाहिए। यस ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमको अलग अलग शेडिंग दिखा, क्योंकि अगर मैं इसको आउटलाइन इसकी मूव कर दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट कंट्रोल के प्रेस कर सकते हो। ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, देखिए ब्रेक, तो ये ब्रेक करने से ये सेपरेट बन गया सर। इसको वापस अनग्रुप करता हूँ, अनग्रुप से ये पूरा सेपरेट बन जाएगा। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्लस की क्लिक, और ये देखिए वेल्ड, ये वेल्ड, और इसको एक बना देता हूँ वेल्ड। तो इसको थोड़ा सा कलर स्कीम हम चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगे। अभी देखिए यहाँ पे मैं ब्लैक कलर, क्योंकि अंदर है, इसको थोड़ा सा कम, ये वाला ब्लैक नहीं, इसको मेरे ख्याल से ये लाइट देना है, इसको थोड़ा सा इससे डार्क, और इसको इससे डार्क, ये ऐसे ये देते हैं, तो ये कुछ 3D जैसा। और अगर मैंने अभी आउटलाइन ये किए तो देखिए बिल्कुल ये 3D जैसा लग रहा है। चाहे तो आप इसको थोड़ा और डार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, तो हमने इसे एक ये जो मॉस्किटो की अगरबत्ती थी ये बनाई। उसके बाद हमने क्या बनाया, हमने ये लक्ष्य का ये, और ये इसको ग्रुप कर लेते हैं वापस कंट्रोल जी। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है, अगर आप इसको कॉपी करो, इसको अनग्रुप करता हूँ मैं, कॉपी कर रहे हो और सिर्फ देखिए इसको, ठीक है इसको नहीं प्रॉब्लम, इसको मैंने कॉपी किया राइट क्लिक सिलेक्ट करके, तो देखिए सिर्फ जो आगे का एरिया था वही आ गया। तो अगर आपको ये सेम कॉपी करना है तो पूरा सिलेक्ट कीजिए और इसको ऐसे राइट क्लिक करके कीजिए पूरा, तभी आएगा, नहीं तो सिर्फ ये फ्रंट का एरिया आएगा अगर आप सिंपली ये राइट क्लिक करोगे तो। और एक जल्दी से देख लेते हैं किस पे हम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एरो है, एक एरो ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए एरो, तो एरो की भी हम दे सकते हैं। ये देखिए एरो बन गया, इसको अगर मैंने कलर दिया तो कलर भी बन जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा आपको एरो। और इसमें और भी शेप्स हैं जैसे क्लाउड्स वगैरह, उन पर भी आप ट्राई करके देख सकते हो। और अगर आपको कुछ और आइडियाज़ आए तो मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है कि और एक वीडियो इस पर मैं बना सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप ये इतने जो ऑप्शंस है प्रैक्टिस करके देखिए। और इसमें अगर कुछ आपको डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछिए, उसको आपको डाउट्स क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, बेसिक 3D शेप्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एक्सट्रूड टूल्स। तो ये वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं,
और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।